हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज हम आए हैं गाइस मोर फाटा, और मोर फाटा में उर्स पे आए हैं, और उर्स में हम चल के देखेंगे हजरत बाबा शकी पीर की दरगाह। अब हम और आप यहाँ पे चलते हैं अंदर हजरत बाबा शकी पीर रहमतुल्लाह अलैह की चिल्ला शरीफ में, जहाँ पे आप अल्लाह की बेतना इबादत किया करते थे। तो चलते हैं गाइस। गाइस देखिए, मैं नंगे पैर चल रहा हूँ यहाँ पे, तो इतने पत्थर, छोटे छोटे जो पत्थर है ना गाइस, वो इतने ज़्यादा गड़ रहा है, मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन यहाँ पे सभी लोग नंगे पैर जा रहे हैं, तो हम भी चलते हैं गाइस। आप ईरान के रहने वाले थे और आप अहले बैत में से थे, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान से थे, और आप 13वीं सदी में ईरान से हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान में ये महाराष्ट्र में मोर फाटा है, मोर फाटा में आपने क़याम किया, और यहाँ पे अल्लाह की दीनी तालीम की। और इतने बड़े अपने पाए के इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं कि मैं आपको कैसे बताऊं कि हजरत की क्या शान है। इतनी बड़ी शान है कि पूरे इंडिया से लोग आते हैं गाइस, पूरे इंडिया से, महाराष्ट्र, MP, पूरे इंडिया से लोग आते हैं। और आप भीड़ देखो, कम से कम नहीं तो पूरे उर्स भर में लगभग कम से कम नहीं तो 20 से 30 लाख जनता आराम से आती होगी। इतनी यानी लोगों को मोहब्बत है। और ये देखिए गाइस, ये बंदर लोग यहाँ पे। तो चलते हैं गाइस। रात में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, अंधेरा रहने के कारण यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, तो इसलिए अंधेरा वैसे होने वाला है 10 से 15 मिनट के बाद। तो मैंने कहा आप लोग को दिखा दूँ, और रात का भी व्यू, और वहाँ पे जहाँ पे प्रदर्शनी है, मेला भरा हुआ है, मैं वहाँ भी आपको दिखाऊँगा। और गाइस आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस कि आप लोग ने मेरा जो इससे पहले जो मोर फाटे वाला उर्स है, यानी मोर फाटे वाला जो वीडियो है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई गाइस। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, तो उस वीडियो की कामयाबी के लिए ही ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो उर्स का वीडियो नहीं था, तो इसलिए मैं ये उर्स का वीडियो बना रहा हूँ। पैरों में इतने ज़्यादा कंकड़ चुभ रहे हैं गाइस, लेकिन हम तो उनके दर के गुलाम हैं, तो इतना तो सह ही सकते हैं। और गाइस ये देखिए, चारों तरफ जंगल है, ये चारों तरफ। ये अभी हम लोग यहाँ आप और मैं यहाँ से आ रहे थे, और अब ये देखिए चारों तरफ जंगल। और गाइस इस जंगल में कम से कम नहीं तो 70 से 80 शेर हैं, यानी बाघ, 70 से 80 बाघ हैं इस जंगल में। और बताने वाले बताते हैं कि हजरत की दरगाह में बाकायदा हाजिरी देते हैं, और बहुत से लोगों ने देखे भी हैं। तो देखिए उनकी करामत देखिए, और सबसे बड़ी करामत यह है कि लोग जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, उन्हीं के पास लोग आते हैं। तो आप जनता भी देखिए कितना ज़्यादा क्राउड, कितनी ज़्यादा भीड़। तो ये कोई ना कोई बात तो होगी, जभी तो लोग उनके पास आते हैं। गाइस आधा किलोमीटर लगभग मैं चल चुका हूँ, बस ये आ ही गया है पास में
आ ही गया है, लेकिन पैरों में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि छा लेना पड़ जाए। कितने ऐसे पत्थर, ये देखिए ऐसे गड़ा है ये। गाइस हम लोग करीब में पहुंच गए हैं और अब हम वहां पे चल के आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, ये है चिल्ला शरीफ और यहां भी भीड़ देखिए गाइस, कितनी ज्यादा भीड़ है ना। और हम चलते हैं, चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप इबादत किया करते थे अल्लाह की। अच्छा मोटे में लाते थे जब जरा पैसा डाल देते थे। गाइस ये देखिए चारों तरफ जंगल, देखिए चारों तरफ जंगल है गाइस। गाइस आप ये सोचिए कि उस समय 13वीं सदी में जब आप आए होंगे, ना तो वो रोड थी और ना ही कोई रास्ता थी, और ये इस घने जंगल में आप क्या मोहब्बत थी अल्लाह की, क्या जुनून था जो कि यानी इतने ख़तरनाक इतने घने जंगल में यानी आप अल्लाह की इबादत करते थे। और यानी बताओ कि ईरान में रह रहे हैं और कहाँ हिंदुस्तान में दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो अल्लाह जिसे चाहे जहाँ खिदमत देना चाहे वहाँ पे रब कायनात खिदमत देता है। और ये देखिए मेरे पीछे पीछे जो है चिल्ला शरीफ है हज़रत बाबा शकी पीर रहमतुल्लाह अलैह का। और देख लीजिए, मैंने इसलिए आप लोग को अभी दिखा दिया क्योंकि रात में अगर मैं आता तो वीडियो एकदम क्लीन नहीं बन पाती और एकदम साफ भी नहीं दिखता, तो इस कारण से। तो अब हम चलते हैं वापस, चल के देखते हैं। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा क्योंकि कंकड़ इतने ज़्यादा चुभ गए हैं
तो चलते हैं गाइस, लेकिन आप लोग की मोहब्बत के लिए ये करना पड़ता है, तो चलो गाइस।